मच टूट जाएगा ना, सो बी केयरफुल। जल्दी चलो, भाग रहा है पूरा, एकदम परफेक्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल जेजे व्लॉग्स। तो आज मैं मिलने वाली हूँ पू से, बहुत दिनों बाद, बहुत दिन हो गए मैं उनसे नहीं मिली। तो हमने सोचा कि आज कुछ लंच वंच प्रिपेयर करते हैं, साथ में लंच करते हैं और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं, तो इसीलिए एक्चुअली मैं चाहती थी चिकन चिल्ली बनाना, बट मेरे एरिया में मुझे चिकन ढूंढ के नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं कैबेज लेके आई हूँ और कैबेज मंचूरियन बनाने वाले हैं हम आज। तो चलिए मेरे साथ कैबेज मंचूरियन बनाते हैं, उसके बाद चिकन चिल्ली तो मैं दुकान से ले लूँगी, उसके बाद हम लोग चलते हैं पू के साथ आज लंच पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन अगेन, तो इसके लिए इसे मैं ऐसा करिए, इसे अच्छे से पहले ग्लास से, पहले मैंने ग्राइंडर यूज़ किया था बट ज़्यादा ही मशी हो रहा था, इसीलिए अभी मैं इसे ग्लास से फटाफट छोटा छोटा कर देती हूँ। मेरा ये कैबेज जो है तैयार हो चुका है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर देते हैं। अभी ऐड कर देंगे थोड़ा मैदा, क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लोर ढूंढा था बट नहीं मिला, तो मैदा से काम चलाना पड़ेगा। तो ये एक टिप है गाइस, अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप भी कॉर्नफ्लोर मैदा यूज़ कर दो। मैं थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करने वाली हूँ बस, अभी टाइम है मिक्स करने का, तो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, देन आपको शो करती हूँ। हमारा मिक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है, पिंक पिंक सा, बट अभी जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा एक रेड कलर हो जाएगा। यहाँ हम कढ़ाई पे अपना तेल गरम होने छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम अपना सॉस का जो तैयारी है वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन काट के रखा है, हाँ मेरा प्याज भी रेडी है, एंड देन मेरा टमाटर भी काट के रेडी है। मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा ऑयल जो है तो वो हो गया है कि नहीं, तो मैं एक डाल के देखती हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया है, तो अभी हम बाकी का भी ऐड कर देंगे इसमें। इतना अच्छा लग रहा है, वाओ। और यहाँ पे मैं अभी अपना सॉस का भी तैयारी फटाफट शुरू कर देती हूँ ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो ये हो चुका है फ्राई, इसे मैं अभी निकाल लेते हैं। मैं बाकी का भी फटाफट तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपना सॉस के लिए जिंजर गार्लिक जो मैंने काट के रखा है वो ऐड कर देती हूँ, ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें प्याज एंड टमाटर ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ साथ ही साथ इसके 3 रेड चिलीज भी ऐड कर देती हूँ फॉर दैट स्पाइस के लिए, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। तो ये अभी थोड़ा ब्राउन हो गया है, इसमें मैं अपना प्याज जो है ऐड कर देती हूँ, प्याज गया। मंचूरियन बॉल जो है वो फ्राई होके तैयार है एकदम, अभी ये बस सॉस में जाने को रेडी है पूरा। तो मैंने इसमें टमाटर सॉस थोड़ा सा ऐड कर दिया है, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारा टमाटर है। अभी मैंने सॉस में सोया सॉस वगैरह डाल के तैयार कर लिया है, और अभी मैं इसमें हमारा जो मंचूरियन बॉल्स है उसे ऐड कर दूँगी ताकि वो थोड़ा इसके साथ घुल मिल जाए अच्छे से। तो इट्स टाइम टू ऐड आवर मंचूरियन बॉल्स। एक बच गया, बहुत टेस्टी होने वाला है, तो ये भी थोड़ा सा अभी इसमें पक जाएगा, और पक जाएगा इन द सेंस थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा क्योंकि ये फ्राइड है अभी, तो इसलिए हम पकने के लिए। हमें एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी, विनीगर, तो अभी मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि विनीगर के बिना मंचूरियन कभी पूरा नहीं हो सकता। एंड अभी मैं इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड करूंगी, दैट खट्टा मीठा वाला टेस्ट के लिए।
वाओ वाओ वाओ, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही बना है, एकदम एकदम परफेक्ट। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, पीछे आप देख सकते हो, और हमारे साथ आज है स्पेशल गेस्ट। हमारी गेस्ट नहीं है, हम लोग आज ऐसे ही आया है यहाँ पे, लंच वंच करेगा, लंच वंच करेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, गपशप करेंगे। तो चलिए चलते हैं ना, चलिए चलते। सुंदर है वहाँ में, अभी क्लाउड भी दिखे ना सुंदर से। ओके, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वो है रानीघाट ब्रिज, एंड ये है पानी जो बहुत बड़ा हो गया अभी। तो यहाँ ये आ गए हैं हम लोग रिजॉर्ट में, ये देखिए एक ब्रिज, वो पता नहीं कहाँ जाता है जंगल की ओर, वहाँ से निकलने का रास्ता है शायद, लेकिन दिखाई नहीं देता है हम लोग कभी। ये देखिए हम लोग का एंट्री हो चुका है, कितना सुंदर है व्यू। तो वहाँ पे, वहाँ से हमें लेना पड़ता है टिकट, और पर हेड है टिकट का 30 रुपीज़। और यहाँ पे बैठने वाला आप देख सकते हो, ये ऊंचा वाला भी है और नीचा वाला भी है, लेकिन ऊंचा वाला ज़्यादा सुंदर है, बट इसमें क्या है, टेबल नहीं है, ये इसका एक प्रॉब्लम है, बाकी तो अच्छा है, अच्छा था, ये सुंदर है। ये है गाइस यहाँ का व्यू, मेसमराइजिंग व्यू है, देखिए बैक साइड, वाओ। तो आज का दिन जो है थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी है, हमारा किस्मत बहुत ही अच्छा था कि आज बारिश नहीं हो रहा है अभी हम लोग जो आए हैं, वरना आज बहुत ही बारिश हो रहा था। तो यहाँ हम बैठने वाले हैं अभी, ये वाला भी बहुत अच्छा था, बट उसमें टेबल नहीं है, ओ टेबल है, टेबल है, टेबल यहाँ पे ऊपर वाला में, क्योंकि उसमें टेबल है। तुमको हम खोलने देगा, इतना कुछ नहीं है लेकिन, हाँ, सो डोंट एक्सपेक्ट मच। नहीं, हम तो एक्सपेक्टेड, पूरा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। देखो छोटा छोटा पिंपू बनाए, क्योंकि हम लोग लड़की लोग तो कम ही खाते हैं ना। चार पिंपू लाए इन केस हम लोग एक्स्ट्रा चाहिए। जो लेट्स सी, वाओ क्या है ये, करी फ्राई किया था, फिर मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा ग्रेवी के, करी जैसा लग रहा है, ग्रेवी ग्रेवी वाला टेस्टी लग रहा है, एकदम कलरफुल। ये है हमारा बॉयल, पकुम सा बॉयल विद बेम्बू शूट। ये है हम लोग का टमाटर और वो रायल गुटी का चटनी, वाओ चटनी तो बहुत टेस्टी लग रहा है, बर्न्ट वाला चटनी है ना, हाँ, वाओ। चलो अभी शो मी व्हाट यू गॉट। तो अभी मेरा वाला का बारी, तो केक लेकर आया है सीधा, पेस्ट्री बोला था ना, नहीं पेस्ट्री, हाँ, पेस्ट्री जो है मंचूरियन, मंचूरियन और ये उसने खुद बनाया है घर में। गाइस प्लीज कमेंट कि डू यू बिलीव कि उसने बनाया है कि खरीदा है। नहीं नहीं बनाया है, घर में बनाया है, ट्राई करना ये, और ये तो ट्राई करेगी, लेकिन मैं तो भर भर के खाऊंगी। ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है, हाँ, लेकिन चम्मच टूट जाएगा ना, सो बी केयरफुल। चटनी तो हमको सबसे ज़्यादा तो चटनी पे इंटरेस्ट आ रहा है, बर्न्ट चटनी। ये ना इसमें एक रायल गुटी है, तुम खाते हैं रायल गुटी? आपको नहीं पता वो क्या है, नींबू जैसा स्मेल होता है उसका। ओ हाँ, छोटा छोटा होता है क्या? सो थोड़ा सा चिकन, चिल्ली चिल्ली चिकन ले लेते हैं, मंचूरियन ट्राई करूँगी मैं। ये मंचूरियन है, मंचूरियन हाथ से निकलेगा, हाथ से निकलेगा बोले तो चम्मच से इतना फास्ट फास्ट निकल रहा है, वाओ टेस्टी लग रहा है ना। तो हम लोग का खाना पूरा एकदम तैयार है, वाओ इतना बढ़िया लग रहा है इधर, टेस्टी टेस्टी खाना, टेस्टी टेस्टी खाना और इतना ब्यूटीफुल नजारा। चलो ट्राई करें पहले, लेकिन सबसे पहले बाहर में खाना है ना, हाँ, तो थोड़ा सा फेंक दो, अदरवाइज नहीं तो फेंक दो। बाबा मा पका, ठीक है चलो स्टार्ट करो। तुम क्या ट्राई कर रहे हो पहले? चिकन चिली, चिकन चिली तो तुमने खुद बनाया ना, मेरा बनाना ट्राई करो ना पहले।
हम इसका मंचूरियन ट्राई करेंगे आगे से बनाया। ये तुमने नहीं बनाया, ये रेस्टोरेंट का है गाइस। सबसे चटनी मेरा सबसे फेवरेट था। बहुत फ्रेश है ना, बहुत फ्रेश। तो अभी हम लोगों का खाना पीना हो चुका है और आपको कैसा लगा मेरा बनाया वाला? इतना अच्छा लगा जोया, लेकिन आई स्टिल डोंट बनाया। भरोसा ही नहीं है देखो। इतना प्यार से प्रोफेशनली बनाया था सच में, अगर तुमने बनाया तो वाह, यही तो चाहिए था। और क्या चाहिए लाइफ में। तो अभी हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा खाना खा लिया है, थोड़ा वेट गेन कर लिया है, अभी और क्या कर सकते हैं, सोने का नहीं इंतजाम है यहाँ पे कहीं। अभी हम लोग करेंगे फोटोशूट। अरे यार नींद आ गया खाना। फोटोशूट इज हाँ इंस्टाग्राम के लिए ना, इंस्टाग्राम के लिए। चलो इतना अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हम लोग कोई फॉरेन कंट्री में आ गया, लेकिन ये अपना ही होम टाउन है भाई। हम लोग यहाँ को छोड़ के इतना दूर दूर जाते हैं घूमने, दूर दूर जाने का जरूरी नहीं है, जो है यही है। हम लोग का आज ब्लॉग वही तो ना, अभी तक बारिश नहीं हुई, लेकिन नहीं होगा, अभी धूप भी आ रहा है, वहां से लाइटिंग आ रहा है, बोल रहा है कि जल्दी जल्दी फोटो खींच लो, अभी समय और निकलो यहाँ से और निकलो। और लेकिन बाय द वे मैंने तुझे केक के बारे में बोला था ना, केक मैं लेके आई हूँ केक। चलो लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें। क्या प्रॉब्लम? जहाँ से बोला था वहाँ से नहीं आया है केक, कहीं और से आ गया है। कहाँ से आया? कैंपो से। चलो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज इट टेस्ट गुड। गुड ब्लैक फॉरेस्ट है, हमेशा टेस्ट गुड ही होगा। अच्छा ब्लैक फॉरेस्ट है। वैरायटी चाहिए ना, मुझे चॉकलेट चाहिए था। मुझे चॉकलेट नहीं है उधर, तो वहाँ से क्यों नहीं लाया? वो बहुत दूर था ना, बारिश गिर रहा था। अभी हम लोग अपना डिजर्ट खाने वाले हैं, यम्मी यम्मी हम लोग का डिजर्ट दिखिए। और व्यू भी इसका बहुत सुंदर, फोटो भी अच्छा है। ओके आई कैन नॉट वेट एनी मोर, हमको खाना है। ऑल टाइम फेवरेट, दूसरा कुछ भी हो जाओ लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट तो खाना ही है। कुछ भी हो जाओ ब्लैक फॉरेस्ट खाना ही है। हम अपना हर बर्थडे में पता है आपको ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट आपको नहीं पता है, सुना है ना कहानी आपको। हाँ लेकिन हम ना ब्लैक फॉरेस्ट पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको चॉकलेट। इतना खाना खाया है, अभी फिर से केक खा रहा है, मोटा नहीं होगा तो क्या होगा यार। पहले हम बहुत खुश होता था ऐसे सुन के, अरे तुम तो खाते पीते घर का है। लेकिन आजकल हम खुश नहीं होता, आजकल समझ गया ना उसका, समझ गया क्या मीन करके बोलता है। केक बहुत टेस्टी है और एक बूंद बारिश का मेरे ऊपर अभी गिरा। ओह माय गॉड दो बूंद मेरे पास भी है। तो आई थिंक हमें जल्दी से केक खा के मेरा वीडियो तो खत्म कर। पानी गिर रहा है मेरे ऊपर जोया। हाँ गिर रहा है, बारिश आ रहा है। ओह माय गॉड बारिश आ रहा है मेरा, बारिश बोल रहा है कि अभी जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड बारिश। तो अभी बारिश आ चुका है, तो हम लोग आज यहाँ से अभी चलते हैं। मेरा रिकॉर्डिंग हो गया, जल्दी भाग रहे पूरा, अब केक लेके भागो। जोया बारिश गिर रही है, जल्दी बोलो। तो आप लोग पूरा देखना ब्लॉग, और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। बाय 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 बाय। जोया बारिश गिर रही है। ओह माय गॉड छाता छाता।